सब्सक्राइब कीजिए ऑल इन वन कंप्यूटर सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मिले हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शिवम गहिरे और ऑल इन वन कंप्यूटर सॉल्यूशन में दोस्तों आपका स्वागत है। तो जैसे कि आप यहां पर स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे दोस्तों, जब भी आप अपना कंप्यूटर स्टार्ट या फिर रिस्टार्ट करते हो तो कभी कभार आप इस प्रॉब्लम को फेस करते हो दोस्तों, जो कि है रिबूट एंड सेलेक्ट प्रॉपर बूट डिवाइस का। तो इस प्रॉब्लम को किस तरीके से फिक्स किया जाएगा दोस्तों, उसके लिए हमने ऑलरेडी वीडियोज बनाकर रखी है जो कि ऊपर आपको आई बटन में या फिर इस वीडियो के एंड में मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन कभी कभार होता यह है दोस्तों, जो तरीका हमने इस प्रॉब्लम को फिक्स करने का बताया है वो भी कभी कभार काम में नहीं आता है, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं आप सभी को टॉप 3 ऐसे डिफरेंट या फिर अलग तरीके बताने वाला हूं इस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए, जो कि 99% आपके कंप्यूटर में जो है वो काम कर जाएंगे अगर आप इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे होंगे तो, ठीक है। तो उन टॉप 3 तरीके को जानने के लिए इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर वॉच कीजिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सभी को बता देना चाहूंगा दोस्तों, इस प्रॉब्लम को आप क्यों फेस करते हो, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके ऑपरेटिंग सिस्टम जिस भी डिवाइस में लोड है, चाहे वो SSD हो या फिर हार्ड डिस्क हो, आप कोई भी डिवाइस अगर यूज कर रहे होंगे SSD या फिर हार्ड डिस्क, लेकिन जिस भी डिवाइस में आपके ऑपरेटिंग सिस्टम लोड है वो डिवाइस कभी कभार जो है प्रॉपर तरीके से डिटेक्ट नहीं कर पाता है अपने आप को, तो उस वजह से इस प्रॉब्लम को आप जो है वो फेस करते हो दोस्तों, ठीक है। चलिए इस प्रॉब्लम को फिक्स करने के जो 3 तरीके हैं वो मैं आप सभी को बता देना चाहूंगा। जैसे कि इसे अगर आप फिक्स करना चाहते हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना ये होगा दोस्तों, आपको कंप्यूटर जो है पूरी तरीके से शट डाउन करना होगा, पूरी पावर ऑफ करनी होगी और आपका जो कैबिनेट है, जो CPU है, उसे पूरी तरीके से ओपन कर लीजिए, ठीक है। ओपन करने के बाद में जैसे कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहे होगे दोस्तों, ओपन आपको इस तरीके से नहीं करना है, ये मैंने आपको समझाने के लिए रखा है फॉर एग्जाम्पल, लेकिन आपको सिर्फ कैबिनेट ओपन करना है और ये पार्ट्स आपको आपके कैबिनेट में मिल जाएंगे, जैसे कि मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क और हमारा DVD राइटर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आप सभी को बता रहा हूँ, तो आपको आपके कंप्यूटर में लगे हुए मदरबोर्ड पर चेक करना है आपकी हार्ड डिस्क या फिर SSD ड्राइव जिसमें भी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम लोड है। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सभी को इसका पहला तरीका बता देता हूँ। तो कभी कभार होता यह है दोस्तों, जो आपकी हार्ड डिस्क है उसे आपको देखना है, और ये जो साटा केबल आप देख पा रहे होंगे, ये जो रेड कलर की केबल होती है, ये इसे आपको इस तरीके से डिस्कनेक्ट करना है। ये होते हैं यहाँ पर साटा पोर्ट्स जो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, ठीक है। इस तरीके से आपको इस केबल को जो है डिस्कनेक्ट करना है और आपको सिंपल एक कॉटन ले लेना है कुछ इस तरीके से। और कभी कभार होता यह है इन केबल्स पर जो है ज़्यादा डस्ट आ जाने की वजह से आपकी हार्ड डिस्क जो है वो प्रॉपर तरीके से डिटेक्ट नहीं होती है, तो आपको कुछ इस तरीके से इसे थोड़ा जो है साफ कर लेना है, ठीक है, इस तरीके से, और आपको फिर से इसे रिकनेक्ट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप इस तरीके से इसे रिकनेक्ट कर दीजिए, यहाँ पर जिस भी आपने पोर्ट पर जो है आपकी हार्ड डिस्क इंसर्ट की होगी वो, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पर देख पाओगे हमने क्या किया, जो पहला तरीका है उसमें हमने क्या किया, आपकी जो हार्ड डिस्क है उसकी जो साटा केबल है ये उसे निकाला, थोड़ा डस्ट वगैरह साफ किया और फिर से रिकनेक्ट कर दिया, ठीक है। हो सकता है यहाँ पर आपके हार्ड डिस्क के साथ में और एक वायर यहाँ पर केबल जुड़ी हुई होगी दोस्तों, जो कि होती है पावर की, ठीक है, वो हमने यहाँ पर कनेक्ट नहीं किया है, लेकिन फॉर एग्जाम्पल इस तरीके के कनेक्शन आपको मिलते हैं तो आपको क्या करना है, पहले तरीके में तो ये जो आपकी डाटा केबल है ये रेड वाली जो आपकी यहाँ पर दिखाई दे रही होगी, इसे डिस्कनेक्ट करके पूरी तरीके से इसको साफ कर लेना है, मतलब क्लीन कर लेना है और फिर से रिकनेक्ट करना है, और उसके बाद में चेक करना है आपका कंप्यूटर स्टार्ट हो रहा है या नहीं। अगर हुआ तो अच्छी बात है, अगर नहीं हुआ तो हमारे अगले सेकंड तरीके को इस्तेमाल कीजिए। तो यहाँ पर दूसरा तरीका मैं आप सभी को बता देना चाहूंगा, जो दूसरा तरीका है दोस्तों वो क्या है, यहाँ पर जो हमारे साटा पोर्ट्स होते हैं ये आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल हम इसे डिस्कनेक्ट करते हैं, डिस्कनेक्ट हमने किया तो यहाँ पर आपको डिफरेंट अलग और साटा पोर्ट्स मिलते हैं मल्टीपल्स, जैसे कि यहाँ पर आप देख पाओगे 2 पोर्ट्स हमारे खाली है। तो कभी कभार होता यह है, हमने जब हमारी केबल वगैरह डस्ट वगैरह साफ करने के बाद भी अगर आप उस प्रॉब्लम को फेस कर रहे होंगे तो होता यह है, यहाँ पर जो हमारी ये केबल है और ये जो पोर्ट है इनके बीच में कार्बन जमा हो जाता है,
सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारी केबल इसमें लगी हुई थी पहले वाले पोर्ट में, तो इसमें कार्बन आ जाने की वजह से जो है हमारी हार्ड डिस्क जो है वो डिटेक्ट नहीं कर पाती है अपने आप को, या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम डिटेक्ट नहीं कर पाती है और उस वजह से वो जो है हमारा कंप्यूटर जो है वो स्टार्ट नहीं होता है। तो आपको करना ये है जो दूसरा वाला पोर्ट है उसमें आपको उस केबल को लगा देना है जो कि कार्बन फ्री होगा दोस्तों, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो आपको इसमें इसे लगा देना है जो दूसरा पोर्ट आपको मिलता है वो, और सिंपल उसके बाद में आपको जो है अपना कंप्यूटर स्टार्ट करके देखना है। अगर हुआ तो अच्छी बात है, अगर नहीं हुआ तो आप हमारे इस वाले नेक्स्ट वाले थर्ड तरीके को इस्तेमाल करके देख सकते हो। तो तीसरा तरीका बता देने से पहले मैं आपको प्रीवियस जो दो तरीके बताया है उन्हें इन शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे कि फर्स्ट तरीका जो मैंने आपको बताया पहला, उसमें हमने हमारे जो हार्ड डिस्क के पॉइंट है उनकी डस्ट साफ की, ठीक है। दूसरे तरीके में हमने जो है हमारे साटा पोर्ट का पोर्ट चेंज किया जो कि कार्बन फ्री होता है। कभी कभार इस पोर्ट में हमारी अगर केबल लगी हुई है तो इसमें कार्बन आने की वजह से डिटेक्ट नहीं हो रहा होगा, तो हमने पोर्ट चेंज कर दिया, ये केबल जो है हमने दूसरे पोर्ट में लगा दी, ठीक है। और तीसरा तरीका जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है यहाँ पर डेटा केबल का। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारी जो ये डेटा केबल है जो हमारी कनेक्ट है मदरबोर्ड के साथ में, ये कभी कभार खराब हो जाती है, मतलब यहाँ पर अच्छे से काम नहीं करती है और ये खराब हो जाती है। तो आपको क्या करना है, सिंपल जो ये केबल है कुछ इस तरीके से आपको निकालनी है, आपको इसे निकालना है, और निकालने के बाद में आपको इसे चेक करना है कि ये खराब हुई है या नहीं। अगर ये खराब हो चुकी होगी, मतलब काम नहीं कर रही होगी ये केबल ही पूरी की पूरी, तो आपको इसे रिप्लेस कर लेना है। लेकिन उससे पहले ये केबल अच्छे से वर्क कर रही है या नहीं, या फिर खराब हो चुकी है या नहीं, उसे आप किस तरीके से चेक करोगे वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर देख पा रहे होगे डीवीडी ड्राइव के साथ में भी हमारी एक केबल अटैच है, तो हमारी वो केबल चालू है दोस्तों, वो अच्छे से वर्क कर रही है फॉर एग्जाम्पल। तो हम क्या करेंगे, उस डीवीडी केबल की केबल जो है निकाल लेंगे कुछ इस तरीके से, और उस केबल को हमारे हार्ड डिस्क के साथ में कनेक्ट कर देंगे यहाँ पर कुछ इस तरीके से। और हार्ड डिस्क के साथ में कनेक्ट करने के बाद में आपको क्या करना है दोस्तों, आपके सेटअप पोर्ट में इसे इस तरीके से लगा देना है, किसी भी सेटअप पोर्ट में, ठीक है। उसके बाद में आपको करना ये है, आपका कंप्यूटर स्टार्ट करके देखना है, अगर अच्छे से काम करता है तो बढ़िया है, या फिर अगर अच्छे से चालू हो गया आपका कंप्यूटर तो समझ लेना चाहिए कि ये केबल हमारी खराब हो चुकी है और इसे हमें रिप्लेस करना पड़ेगा। तो आपको मार्केट से न्यू केबल लानी पड़ेगी और उसके बाद में इस वाले जो केबल पर है उसे रिप्लेस कर देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद में अगर आपका कंप्यूटर अच्छे से स्टार्ट होता है तो आप इस केबल को निकाल लीजिए और यहाँ पर जो है आपके कंप्यूटर को, मतलब आपके डीवीडी राइटर को फिर से इंसर्ट कर दीजिए जो पहले की तरह था वैसे, और उसके बाद में आप जो मार्केट से न्यू केबल लेकर आओगे फॉर एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से, उस केबल को आपके जो है हार्ड डिस्क के साथ में कनेक्ट कर दीजिए, या फिर SSD के साथ में, या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें भी लोड होगी वो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमारी जैसे कि हार्ड डिस्क के साथ में है तो हम हार्ड डिस्क के साथ में ही यहाँ पर कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल मार्केट से हमने केबल लाने के बाद में कुछ इस तरीके से हम फिर से इसे इंसर्ट कर देंगे, ठीक है। तो चलिए फिर से एक बार हम वीडियो को रिवाइंड कर लेते हैं कि कौन कौन से तरीके हमने यहाँ पर देखे हैं दोस्तों। तो जो पहला तरीका मैंने आपको बताया है वो है डस्ट फ्री का, मतलब ये जो पॉइंट है इन केबल को निकाल कर आपको इनकी डस्ट जो है वो साफ कर लेनी है और फिर से रिकनेक्ट करना है अपने हार्ड डिस्क को, ठीक है। उसके बाद में जो सेकंड पॉइंट मैंने बताया, जो सेकंड तरीका दूसरा तरीका मैंने आपको बताया है दोस्तों, वो है आपके पॉइंट की, मतलब यहाँ पर जो आपको सेटअप पॉइंट मिलते हैं इन पर कभी कभार जिस पॉइंट में आपकी केबल लगी हुई है उसमें कार्बन आ जाने की वजह से वो पॉइंट काम नहीं कर पाता है, तो आपको सिंपल पॉइंट को चेंज कर लेना है कुछ इस तरीके से, दूसरे पॉइंट में लगा देना है। और जो तीसरा तरीका मैंने बताया है आपको वो है सेटा केबल रिप्लेस करने का, ठीक है। ये तीन तरीके आप एक बार वर्क करके इस्तेमाल करके देखिए अपने कंप्यूटर में, अगर आप उस प्रॉब्लम को फेस कर रहे होगे रिबूट एंड सेलेक्ट प्रॉपर बूट डिवाइस का, और इन तरीके में से कौन सा तरीका आपके काम में आया है और आपको हेल्पफुल रहा है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ठीक है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि जो भी लोग इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे होंगे उन्हें जो है इसका प्रॉपर तरीका जो है फेस करने का मिल जाए दोस्तों, ठीक है। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, बाय बाय।